गुलाबचंद कटारिया का अलग अंदाज देखने को मिला। आज मुक्त कंठ से सराहना की सीएम अशोक गहलोत की। फ्री वैक्सीनेशन के फैसले को सराहा नेता प्रतिपक्ष ने, कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अच्छी पहल। तो आज ये सराहना की है गुलाबचंद कटारिया ने, आज मुक्त कंठ से सराहना की है उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अच्छी पहल की है। तो फ्री वैक्सीनेशन के फैसले को सराहा नेता प्रतिपक्ष ने। आपको बता दें 18 प्लस के लिए अब वैक्सीनेशन राजस्थान में फ्री हो गया है, और इसी को लेकर गुलाबचंद कटारिया ने सीएम गहलोत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने अच्छी पहल की है प्रदेशवासियों के लिए, युवाओं के लिए। तो गुलाबचंद कटारिया का अलग अंदाज देखने को मिला। आज मुक्त कंठ से उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की सराहना की है। फ्री वैक्सीनेशन के फैसले को नेता प्रतिपक्ष ने सराहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये एक अच्छी पहल की है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन 18 प्लस के लिए फ्री हो चुका है, राज्य में ये वैक्सीनेशन फ्री है। और उसी को देखते हुए गुलाबचंद कटारिया का ये अलग अंदाज, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी 1 मई से फ्री वैक्सीन के लिए जो घोषणा की है, उसका मैं बहुत ही उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। सारी राजस्थान की जनता की यही उम्मीद थी कि जैसे कुछ राज्यों ने भी अपने यहाँ फ्री वैक्सीन की बात की, राजस्थान ने भी इसमें पहल की और गहलोत साहब ने इसकी घोषणा की, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन अपने यहाँ से लगना प्रारंभ हो जाए, ताकि ये जो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो यंग लड़कों की हो रही है, तो मैं सोचता हूँ इससे इन सबको बचाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, और स्वागत योग्य कदम है। फिर से धन्यवाद देता हूँ।